हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एनिस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एनिस्टा आईडी का जनरल लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल लिंक ले सकते हैं, वाओ बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया। ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे जो है आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैंने चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, मैरिज से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, डिस्टेंट पर्सन से रिलेटेड, तो वो सारे वीडियोस भी ज़रूर चेक करिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं बताऊँगी कि आपके डिस्टेंट पर्सन कैसे हैं। ठीक है, डिस्टेंट पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है कि आपके डिस्टेंट पर्सन बन जाए। ठीक है, लेकिन उनके लक्षण जो है ना, लक्षण से तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो आपके ऊपर पूरी तरह समर्पित होना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, और इसीलिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये मे भी आपके डेस्टिनेट पर्सन बन सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले है नाइट ऑफ कप्स। अब देखिए, नाइट ऑफ कप्स क्लियरली बताता है बहुत ही यंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, मतलब जिसे देखकर कहा जा सकता है प्रिंस चार्मिंग। तो कोई ऐसा सीक्रेट एडमायरर है जिसे देखकर आप दुखी नहीं होंगे, बल्कि इनको देखकर आप खुश रहने वाले हैं। देख सकते हैं उनके दिल में आपके लिए कितनी सारी फीलिंग्स हैं। इस पर्सन के अंदर बहुत सारी भरपूर फीलिंग होगी आपको लेकर। ये प्रिंस चार्मिंग है, प्रिंस जैसा लुक या प्रिंसेस जैसा लुक आपके पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर का है, इसमें कोई शक नहीं है, 1000% चांसेस है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, ये बहुत ही ज़्यादा रोमांस फील करते हैं। और देखिए, इनसे ज़्यादा अच्छा फेथफुल कोई नहीं हो सकता है। तो आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकता है कि थोड़े से डर रहे हो, घबरा रहे हो, लेकिन इनका इंटेंशन बहुत प्योर है। इनका इंटेंशन मुझे बहुत ही ज़्यादा लविंग इंटेंशन दिखाई दे रहा है, और इनकी जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि आपके जो सीक्रेट एडमायरर हैं वो किस तरीके से आपके डेस्टिन पर्सन बनेंगे और आपके लाइफ में शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात मैंने बताया कि प्रिंस जैसा लुक है और प्रिंस जैसा नेचर भी है। एक प्रिंस या किंग कैसा होता है, जो कि सभी को सोच समझकर सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, आगे बढ़ता है या बढ़ती है। क्वीन, ठीक है, क्वीन की भी एनर्जी है, ठीक है, तो वो चीज़ आपके पर्सन के अंदर है। और ये वो इंसान है जो कि फर्स्ट टाइम हो सकता है किसी से प्यार कर रहे हो, फीलिंग हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आई हो, कोई ना कोई पसंद आ गया हो, लेकिन एक ट्रू फीलिंग जो डेवलप होने वाला है या हो चुका है सीक्रेट एडमायरर के अंदर, वो आपके लिए ही है। और ये जो फीलिंग है ये बहुत फेथफुलनेस की फीलिंग है आपके लिए इनके दिल में, और इस पर्सन के अंदर ट्रू लव है। इस बात का एहसास इनको कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले या कुछ दिनों पहले ये हो चुका है कि ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और ट्रू लव करते हैं। कहीं ना कहीं आपके सीक्रेट एडमायरर आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, गोरे हैं, फेयर है, रोजी स्किन हो सकता है इस पर्सन का। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो सीक्रेट एडमायरर है, ये इंसान आपके बारे में इधर उधर से बहुत ज़्यादा पता करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपका नाम क्या है। स्किन इनका ग्लास स्किन हो सकता है, बहुत चमकता होगा। दूसरी बात, ये इंसान एक बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान है, ठीक है, तो ये बहुत इमोशनली आपसे कनेक्ट होंगे, बहुत इंटेंसली कनेक्ट होंगे, प्रोटेक्ट तो करेंगे लेकिन ओवर, मतलब आपको नहीं, मतलब ऐसा फील कराएंगे कि ये आपकी जो है जो भी है फ्रीडम उसको छीन रहे हैं, ऐसा नहीं फील होगा। अब देखिए, यहाँ पे 10 of Swords की एनर्जी है। सबसे पहले कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, उस पर्सन का खुद जोडियक साइन हो सकता है। उसके बाद आपके पर्सन का जोडियक साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है, फिर से कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है 10 of Swords बड़ी तकलीफ़ से गुजरे हैं, ठीक है, बहुत तकलीफ़ से, बहुत सारी धोखाधड़ी से गुजरे हैं। सिर्फ लव लाइफ़ की बात नहीं कर रही, लव लाइफ़ के तो कम ही चांसेस हैं, लेकिन दोस्त यार ने इनको बहुत तकलीफ़ दी है। तो ये चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो कि मुझे बहुत प्यार करे और बहुत पैम्पर करे, जो कि मुझे कभी धोखा ना दे। और वो सारी खूबियाँ आपके अंदर नोटिस किए कि आप वो इंसान हो जो कि इनको कभी दुख नहीं दोगे, तकलीफ़ नहीं दोगे। हो सकता है कि एक ट्रॉमा सिचुएशन से निकल रहे हैं जिसकी द एंड हो रही है, हो सकता है आपके लाइफ में भी कोई ट्रॉमा सिचुएशन है, हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, डिवोर्स देकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं एक नए पर्सन के साथ, ये इंसान हो सकता है आपके लाइफ में हो, ठीक है। तो ये इंसान जो है खुद ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से आप लोग निकलोगे, एम्प्टीनेस, डिस्ट्रक्शन,
लोनलीनेस या इम्प्रिजमेंट की एनर्जी है, मतलब कैद वाली एनर्जी, या कोई स्लेव जैसा ट्रीट कर रहा हो, ये सब इनके साथ भी हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है और आप दोनों की शुरुआत हो रही है। आप दोनों वॉर सिचुएशन से निकलकर जो है एक दूसरे के करीब आ रहे हो, और जब आप दोनों करीब आएंगे तब आप दोनों को समझ में आएगा कि प्यार क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती है, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे को बहुत पैम्पर कर रहे हैं। देखिए, आपके जो पर्सन है ये प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, ये आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे, दिमाग से बहुत ही तेज होंगे इंसान, ठीक है। और आपकी इंटेलेक्चुअल एनर्जी और इनकी इंटेलेक्चुअल एनर्जी और आपका पसंद इनका पसंद बहुत ज़्यादा मैच करेगा, आपका पास्ट इनका पास्ट एक जैसा होगा, ठीक है। बहुत ही समझदार, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान होंगे, एक अच्छे इंसान, ठीक है, जो कि बहुत मैच्योर है, ठीक है, दिल के बहुत खुले हैं, ऐसे आपके सीक्रेट एडमायर दिखाई पड़ रहे हैं। देखते हैं इस पर्सन की लव लेटर क्या है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, विल यू एक्सेप्ट द रियल मी। यहाँ पे इनको ऐसा डर है कि मेरी तो डिवोर्स हो गई या मेरी शादी हो रखी है, तो क्या मुझे तुम एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैसेज है, एक मैसेज और है वो देख लेते हैं, वो है आपका, आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को आप देखते हैं, ये भी आपको देखते हैं, और यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये खुद ही कॉन्टैक्ट करें, तो आपके मन में क्वेश्चन है कि ये कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सीक्रेट एडमायरर बहुत ही जल्दी कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, और इसीलिए इन्होंने लव लेटर के थ्रू कहा है आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। सो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।